还是要水土。आज दिनांक 25/7/2019 को गांधी पार्क के अंदर जो है एक मीटिंग रखी गई, जिसके अंदर हमारे साथी इकट्ठे हुए हैं और 23 विभागों की एप्लीकेशन आज तैयार की गई है। और अब हम यहां से फ्री होकर के बीकानेर एसपी ऑफिस के अंदर जा करके उनको भाई हैंड ये प्रति जनपद देंगे और बाकी हम सारी रजिस्ट्रियाँ कराएंगे। और 31 तारीख को बीकानेर के अंदर जो है यहाँ का सांसद और एमएलए दोनों उपस्थित होंगे, उस वक्त उनको भी भाई हैंड देने के लिए हम जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। और हमारे आज सहयोग के अंदर जो है श्रीमान मोहनलाल जी प्रजापत है राजल देसर चूरू से पधारे हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए सर। दोस्तों नमस्कार, मैं भंवरलाल प्रजापत चूरू राजस्थान से। आज सद्दीक अब्बासी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट स्पीकर को और साथ में 22 अन्य विभागों को भी रजिस्ट्रियाँ तैयार की है। तो हम सभी विभागों से यही चाहते हैं कि इन हरामखोर लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको सजा दी जाए और हम सब लोगों का जो मान सम्मान खोया है वो हमें अच्छे से इज्जत से वापस इन लोगों की अच्छी जी। दोस्तों नमस्कार, इतना ही बस। या तो दोबारा कर लो वीडियो, ये दोबारा कोई कोई दोबारा कर लो सही बन बोल दीजिए। दोस्तों ई सी एल इंडिया लिमिटेड के हम क्या बहुत ही पीड़ित हैं, जो हमारा मान सम्मान खोया हुआ है उसके लिए हम क्या है साढ़े चार सालों से लड़ रहे हैं। अभी तक हमें क्या है पूरा न्याय नहीं मिल पाया है और हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें जो हरामी लोग हैं, खुद जब हमें बताया जाता था कि हम कंपनी के नाम से ज़मीन खरीदे हैं और ये हरामी लोग इतने गए बीते थे अपने रिश्तेदारों के नाम से, बहन बेटियों के नाम से प्रॉपर्टी खरीद कर अटैच कर लिए और आज तक लोढ़ा कमेटी को सूचित नहीं किए हैं और ये लोग पैसा खाना चाह रहे हैं। तो किन बेहतर आप है ना ऑनरेबल लोकसभा अध्यक्ष को और सांसद को और एमएलए साहब से भी हम 31 तारीख को जो हमारी मीटिंग हम देने जाएंगे उनसे यही उम्मीद करेंगे कि हमें पूरा न्याय दिलवाएं, जो हमारा मान सम्मान खोया है जिससे हम क्या है पूरा हमारा मान सम्मान मिल सके, हमारी इज्जत प्रकाश है और हमारा क्या है जीना हराम हो चुका, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोई कंपनी बीकानेर से बोल रहा हूँ, तो मैं PSL से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। अपना कलेक्शन सबसे ज़्यादा कलेक्शन था 21/22/2014 का कलेक्शन था, वो हमारा सीधा सीधा कलेक्शन है आतंकवादी तो पहुंचा गया है, उसकी छानबीन करें ताकि हमको कुछ राहत मिले और आगे कार्रवाई की आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें ताकि हमको राहत मिले। आजो पप्पू जी आजो, अरे बोल दो नाम बोलो नहीं कहीं दिक्कत है। दोस्तों नमस्कार, मैं भंवरलाल प्रजापत चूरू राजस्थान से। आज बीकानेर में मीटिंग रखी गई है जो कि सद्दीक अब्बासी जी के नेतृत्व में, और इस मीटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम पार्लियामेंट स्पीकर को और अन्य 22 विभागों को एप्लीकेशन लगा रहे हैं। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारा जो कलेक्शन था PSL में 21/22/2014 का लगभग 15,000 करोड़ रुपए आया, वो पूरा कलेक्शन आतंकवादियों को दिया गया यह दह जीरो की तरफ से बताया जा रहा है। और दूसरी चीज़ जितना पैसा आया वो सारा पैसा देश विरोधी गतिविधियों में लगाया, इसी के तहत हम मैनेजमेंट से ये जानकारी चाहते हैं कि जो पैसा था वो या तो सार्वजनिक करें कि किस बैंक में जमा कराया, और सभी मैनेजरों से भी ये चाहते हैं
कि हमारा जो पैसा था वो किस बैंक में जमा कराया, ये सार्वजनिक करें, सबको बताएं। और इस एप्लीकेशन में हमने ये भी लिखा है कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करके हमारा जो मान सम्मान था वो लौटाया जाए, क्योंकि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों को लोग बदनाम कर रहे हैं, हमारी जो मानहानि हो रही है वो सबका सब जिम्मेदार मैनेजर और मैनेजमेंट है। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है सभी विभागों से कि मैनेजर जो भी PSEL के मैनेजर थे 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 और PSEL का मैनेजमेंट, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए तो ही हम लोगों को संतुष्टि, हमारे निवेशकों को संतुष्टि और हम सब लोगों के जो मान सम्मान की हानि हुई है वो लौटाई वो प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों, और आगे आप सब समझदार हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक को हम एप्लीकेशन दिया है जिसकी रिसीव्ड पर्ची हमने प्राप्त कर ली है। ये सभी साथियों के सहयोग से आज इनको लेकर गए हैं और SP साहब अभी लंच में चले गए हैं, इसलिए हमने सीधा रिसीव्ड शाखा में दे दिया है।